दुनिया में किसी भी फतेह किसी भी शान को मैं जमा करना नहीं कहता। ये चारों दिन खड़ी दिखाता ये आपका वक्त हो गया है, मैंने आपका वक्त में आपके तकरीर के जो टाइम है वो हो गया है। मैं अदब से इशारा करता हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता लगा था कि मैंने माफ किया। वैसे छोटा हमेशा बड़ों को माफी करता है। बस कहने से बैठे एक मतला, उसके बाद तैयारी यूरोप एशिया की बारगाह में हलचल सी वाणी नजदीक पेश करेगा। सुनने के मूड में है? सुनने के मूड में है? शेर अच्छा लगेगा तो क्या बोलोगे आप? हजरत हबीबुल्लाह मेहदी का भी एक रंग है, लेकिन इस रंग को भी मैं छिड़कने की कोशिश नहीं करूंगा। यह रंग में रिजर्व रखता हूँ। अगर मजमा सलामत रहा और आप बाहयात रहे, मैंने बाहयात रहे तो इंतकाल नहीं हुआ आपका। इंतकाल के मानी मुंतकिल होना, जगह बदल देना। अगर आपने जगह नहीं बदली और हबीबुल्लाह मेहदी के लिए बैठे रहे, और इसीलिए मैंने हबीबुल्लाह मेहदी को रोक लिया हो, क्या भागिए नहीं भागो नहीं आप? मैं जानता हूँ कि हबीबुल्लाह मेहदी के भी दीवाने हैं ना भाई, उठा दे दुनिया में उठा दीजिए दुनिया। अभी एक जलता हुआ सुनिए, अभी एक जलता हुआ मुछाया हुआ न्यू मार्केट जो है ओल्ड मार्केट नहीं, लेकिन यहाँ गोल्ड मार्केट।
कंट्रोलर की जाने से जनता पेश किया जा रहा। अब चलिए उस अजीम हबीब की बारगाह में उस अजीम कदावर का शख्सियत की बारगाह में जो हिंदुस्तान के लोग नहीं लिया पूरी दुनिया के लोग जिन्हें चुनना चाहते हैं
ये जीना है के घर मेहमान मेरा
एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। माज अशरफ अशरफ सिंह जिलानी कच्छ अच्छा मुकद्दर साहब बन अफसे नफीस मेंबर नूर पे हैं। और सच्ची बात सुनिए, आज घर की बात घर वाले से सुनिए, नाना की बात नमाज से, बाप के बाप बेटे से सुनिए, आज नाना हुसैन की गुफ्तगू आज नमाज से सुनिए, आज वो महफिल पर रंग आएगा। मदद तो ये है कि घर की बात घर वाला सबसे अच्छा, घर की बात घर वाला सबसे अच्छा बताता है। मैं अपने घर की बात सबसे अच्छी बताऊंगा, आप अपने घर की बात सबसे अच्छी बताओगे। आज तो हुसैन के घर का बेटा सामने है, अली के घर का शहजादा सामने है, मखदूम पाक का शहजादा सामने है, अभी इससे अच्छा मौका और क्या होता है। एक शेर सुनाता हूं मैं, शेर सुनिए अच्छा लगेगा तो क्या बोलोगे आप, सुनिए पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। मखदूम भैया आप शेर कह रहे थे यार, घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई इनसे निपट लूं उसके बाद आपसे निपटता हूं, लेकिन ये घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं है। मैं इनके लिए एक शेर सुनाता हूं, पढ़े, खुद को मनमाने का मुझको हुनर आता है। ये मैं नहीं कहता, मखदूम भाई कह रहे हैं, जबान मेरी है, कल जबान मेरी कर रहा हूं। खुद को मनवाने का ये मुझको हुनर आता है, मैं तो कतरा हूं समुंदर मेरे घर आता है, मैं तो कतरा हूं समुंदर मेरे घर आता है, मैं तो कतरा हूं समुंदर मेरे घर आता है। ये मखदूम की मखदूम ग्रामी हमारे बड़े भाई मखदूम अरशद की जात है यार, ये बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर, इतना अच्छा काफिया लाया है मुहावरा, ने बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब शेर सुनाता हूँ हमारे बहुत मोहसिन बड़े करम फरमा जनाब असद इकबाल, दूर से बहुत अच्छा करे, शेर सुनाता हूँ सुनिए। सरहर से मौला नूर की जंजीर बनती है, फिर बात दूर तक जाएगी। सरहर से मौला नूर की जंजीर बनती है, सरहर से मौला नूर की जंजीर बनती है, नबी के गेट में हमदार की तस्वीर बनती है। सरहर से मौला नूर की जंजीर बनती है, नबी के गेट में हमदार तस्वीर बनती है, नबी के केस में हमदार की तस्वीर बनती है, उसे ईमान की तकमील का मयार कहते हैं, उसे ईमान की तकमील का मयार कहते हैं, जमीन करबला जब इश्क की तस्वीर बनती है, जमीन करबला जब इश्क की तस्वीर बनती है। अरे नहीं समझ में आया यार, तो सब भारी हो गया ना, बहुत भारी हो गया, ओवर हो गया ना। अच्छा चलिए एक आसान शेर सुनाते हैं, अच्छा मेरी मेरे दामन में कोई आसान शेर है नहीं, असद भाई मखदूम भाई की बात बताएंगे। असद साहब आपके कदमों की धूल को चेहरे का गाजा बनाता और ये शेर आपके हवाले करता हूँ, पढ़े। अरे बोलो बोले आप सुभान अल्लाह, देखिए बात नहीं बनेगी, इधर वाले बिल्कुल खामोशी से काम लेना। किसे अठारह बोले हैं, जब मैं चेक सुनाता हूँ मखदूम भाई कह रहे बहुत भारी हो रहा, हल्का कर दे, ये भारी सुना है। अच्छा ये कह रहे इधर भारी इधर मीडियम, मैं सब सुनाऊंगा बस अब रहोगे तब। क्या कहने, मुझे तो ऐसा लग रहा था आपके कहने से सुभान अल्लाह यार, मैं तो किसी के बाप के जलसे में नहीं हूँ, मैं तो हुसैन पाक के जलसे में हूँ यार, इसीलिए कहता हूँ कि उनकी याद आई है सासो दराई सा चलो। अरे बोलो यार बोलो, उनकी याद आई है सासो दराई सा चलो, धड़कनों इबादत में भी खलल पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा यार, अरे बोलिए ना। अच्छा शेर सुनिए, मक्का गाजी है
आलमगीर है, ये भी भारी होगा। वो मक्का काजी है, अहदे नौ का आलमगीर है, जिसके हाथों में भी है तेरी शमशीर है। मक्का काजी है, अहदे नौ का आलमगीर है, जिसके हाथों में भी है तेरी शमशीर है। अब पांव में है बेड़िया, हाथ में जंजीर है। पांव में है बेड़िया और हाथ में जंजीर है। मैं गुना में पंचतन हूँ, क्या मेरी तकदीर है? जिसके हाथों में भी है दरी शमशीर है, पांव में है बेड़िया और हाथ में जंजीर है। मैं गुलामे पंजतन हूँ, क्या मेरी तकदीर है? मैं गुलामे पंजतन हूँ, क्या मेरी तकदीर है? भाई बारी बारी शेर है, मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है मुहर्रम की। अगर आपको समझ में आए ना आए, मैं दावत देता हूँ मदरसा जाऊल इस्लाम में पढ़िए, उर्दू समझ में आ जाए। भोजपुरी के पढ़ देते हैं, मुलाहिदा कीजिए। अब तो औरतें भी चली गई है और कुछ बची है, तो मैं चाहता हूँ कि एक मतला एक शेर के हवाले करते हैं। ये है सरकार का परमा ये है सरकार का फरमान मेरे माँ बहनों, ये है सरकार का फरमान मेरे माँ बहनों, ये है सरकार का फरमान मेरे माँ बहनों। नेक हो का नेक हो का मेरा दावा है, शिकम का
कि सदमे हो दी दीन तो पेटों को भी कटवा देना सदमे हो दीन तो पेटों को भी कटवा देना अपने शौहर की ऐता तू हमेशा करना अपने शौहर की ऐता तू हमेशा करना
खड़े हो जाए सलातो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलातुल्लाह या रसूल My
पढ़िए बाबा से बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या आका मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।